दिशा पाटनी ने खोले करण जौहर के राज, कहा मैं 18 साल की थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन फिल्म योद्धा का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। इस फिल्म में बैक टू बैक बॉलीवुड में हिट फिल्में दे चुके एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दिशा पाटनी लीड रोल में नजर आने वाली हैं। फिल्म का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान दिशा ने फिल्म डायरेक्टर करण जौहर की बॉलीवुड इमेज को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनके इस खुलासे के बाद करण का इमोशनल रिएक्शन भी सामने आया। दरअसल ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान एक्ट्रेस ने अपने स्ट्रगलिंग डेज को याद करते हुए कहा, आज अगर मैं बॉलीवुड में काम कर रही हूँ तो इसका पूरा श्रेय करण सर को जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनसे एक मुलाकात ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। करण जौहर मेरे लिए किसी लकी चार्म से कम नहीं है। एक्ट्रेस ने बताया कि मेरे मॉडलिंग के दिनों में करण जौहर का मुझ पर ध्यान गया। उस वक्त मेरी उम्र मात्र 18 साल थी। वही आउटसाइडर होने के बावजूद उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे बॉलीवुड में खुद को साबित करने का मौका दिया। मुझे लगता है अगर उस समय करण जौहर की नज़र मुझ पर ना पड़ी होती तो शायद मैं एक्टिंग की दुनिया में होती ही नहीं। इसी के साथ एक्ट्रेस ने कहा कि लोग चाहे उन पर कोई भी आरोप लगाते हो, लेकिन मैं एक आउटसाइडर हूँ और मुझे बॉलीवुड में लाने वाले वो ही हैं। बता दें कि दिशा पाटनी के इस स्पीच के बाद करण इमोशनल हो गए और उन्होंने एक्ट्रेस को गले लगाया। एक्ट्रेस की बात को सपोर्ट करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, वाह क्या बात कही तुमने दिशा, इस लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ। साल 2012 में आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में करण जौहर ने मुझे भी मौका दिया था। बता दें कि पहली बार बिग स्क्रीन पर दिशा साल 2016 में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में नजर आई थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया था। फिल्म में दिशा ने MS धोनी की पहली गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया था। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए वाया टॉक को भी सब्सक्राइब करें।